हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। इस चुनावी मुकाबले में सत्ता पर काबिज दाप बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दिल्ली के 1,47,86,382 मतदाता आज तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। चुनाव के परिणाम 11 फरवरी को आएंगे। जामिया और बाटला हाउस में बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने निकले। मतदान केंद्रों पर बुजुर्गों महिलाओं की कतार देखने को मिल रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व के भागीदार बने। नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि देश की एकता अखंडता और दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए आपका एक एक वोट महत्वपूर्ण है। आपका वोट ही आपकी दिल्ली का सुनहरा भविष्य लिखेगा। पहले मतदान, फिर जलपान। जय हिंद। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा अपनी माता और पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। कपिल ने कहा कि आज दिल्ली की जनता वोट डालकर हिसाब कर देगी। कपिल मिश्रा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब होगा। जैसे जैसे बटन दबता जाएगा, शाहीन बाग का तंबू हटता जाएगा। कपिल मिश्रा ने कहा कि विकास के नाम पर ही वोट देना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पीने का पानी और हर गरीब को अपना घर देकर इसे विश्व की सबसे अच्छी राजधानी सिर्फ एक दूरदर्शी सोच और मजबूत इरादों वाली सरकार ही बना सकती है। शाह ने कहा कि मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि झूठ और वोट बैंक की राजनीति से दिल्ली को मुक्त करने के लिए मतदान अवश्य करें। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ में अपना वोट डाला। दिल्ली के शाहीन बाग में मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। शाहीन पब्लिक स्कूल ओखला में बड़ी संख्या में वोटर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि आपके अमानतुल्ला यहां से मौजूदा विधायक है। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के परवेज हाशमी और बीजेपी के ब्रह्म सिंह बिधूरी से है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली के लोग मतदान अवश्य करें। उन्होंने कहा कि नमस्कार दिल्ली, आज मतदान है, बदलाव के लिए वोट करें। सीएम योगी ने कहा कि विकास की गति देने वाली और जनहित को समर्पित सरकार चुनने के लिए वोट करें। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि वोट देना आपका सबसे अमूल्य अधिकार है और स्वयं वोट दें और अपने मित्रों, सगे संबंधियों को भी वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। जय हिंद। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुगलक कंस्ट्रेट में अपना वोट डाला। विदेश मंत्री ने कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना वोट डाले। हर नागरिक को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के युवाओं से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से वोट डालने की अपील की। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, सभी महिलाओं से खास अपील, जैसे आप घर की जिम्मेदारी उठाती हैं वैसे मुल्क और दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। केजरीवाल ने कहा कि आप सभी महिलाएं वोट डालने अवश्य जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी साथ ले जाएं। पुरुषों से चर्चा जरूर करें कि वो किसे वोट देना सही रहेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज सुबह मयूर विहार फेज टू में कहा कि आज दिल्ली के लोग अच्छी शिक्षा और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए मतदान करेंगे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी ने रवि नेगी को मैदान में उतारा है।
मतदान से ठीक एक दिन पहले दिल्ली के चुनावी रण में सियासी दल आक्रामक नजर आए। रेठाला विधानसभा क्षेत्र के बुद्धविहार इलाके में स्थित एक दुकान में लोगों ने काफी देर तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बंधक बनाकर रखा। गिरिराज सिंह ज्वेलरी की एक दुकान में मौजूद थे। बाहर लोगों का आरोप है कि मंत्री नोट बांटने आए हैं और ये हाई वोल्टेज हंगामा काफी देर तक चलता रहा और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देखते ही देखते दुकान के बाहर हंगामा खड़ा हो गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी प्रयास के बाद इस हंगामे को शांत कराया और गिरिराज सिंह को दुकान से बाहर निकाला। उधर आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। रोहिणी नॉर्थ इलाके में शुक्रवार रात दिल्ली पुलिस की एक महिला सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास उन्हें दो गोलियां मारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जांच के लिए भेज दिया है। देर रात तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर की पहचान प्रीति अहलावत के रूप में हुई है। रात करीब 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि ईस्ट रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास एक युवती को बदमाशों ने गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि प्रीति के सिर में दो गोली मारी गई। घटनास्थल पर की छानबीन के दौरान पुलिस को वहां पर हाथापाई के निशान भी मिले हैं। जांच में पाया गया है कि प्रीति के पास एक दुष्कर्म का मामला था जिसकी वो जांच कर रही थी। इस मामले में उसे लगातार धमकियां मिल रही थी। पुलिस घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस का डर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। भारत समेत कई देशों में इस जानलेवा वायरस के कई मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से अभी तक 719 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अभी तक इस वायरस से 31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हम इस वायरस से जुड़े पल पल की अपडेट को लगातार आप लोगों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आतंकी फंडिंग के मामले में पाकिस्तान की अदालत जमात उल दावा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ दो मामलों को शनिवार में फैसला सुनाया जाएगा। इस बारे में अदालत ने 6 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने हाफिज सईद और उसके 3 सहयोगियों को आतंकी फंडिंग में शामिल पाया है। सरकार के आतंकवाद विरोधी सेल ने 11 दिसंबर 2019 को इनके खिलाफ अदालत में केस दर्ज किया था। जमात उल दावा प्रमुख हाफिज सईद और उसके संगठन पर लंबे वक्त से आए आतंकवादियों को मदद पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं और पाकिस्तान सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सईद और उसके 13 सहयोगियों को पिछले साल जुलाई में ऐसे 2 दर्जन मसलों में गिरफ्तार किया था। फतेहाबाद के भूना इलाके की गौशाला के पास देर शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस तमाम मसले की जांच कर रही है। प्रदेश में इन दिनों टिड्डी दल किसानों के लिए मुसीबत बने हुए। इसी बीच चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल जाखड़ ने बताया कि हरियाणा में इसका प्रभाव अभी तक ज्यादा नहीं देखा गया है। सिरसा के चड्डा गांव में पिछली 25 जनवरी को टिड्डियां देखी गई थी लेकिन उनकी संख्या बेहद कम दिखी थी जो कि 20 से 25 प्रति हेक्टेयर आंकी गई थी जो कि बेहद कम है। उन्होंने कहा कि इतनी संख्या होने पर किसानों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी कीटनाशक के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अनिल जाखड़ ने बताया कि किसानों को शाम के वक्त अपने खेतों में इसके लिए निगरानी रखनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के उद्देश्य से रचित द एयर एक्ट 1981 पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर लेखक और हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर के खंडेलवाल को सीएम ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सीएम ने पुस्तक के विषय चयन पर लेखकों की प्रशंसा कर बधाई देते हुए कहा कि इस पुस्तक में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून और नियमों की व्याख्या की गई है जिससे पाठक जरूर जागरूक होते और उम्मीद है कि इससे समाज में प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता और ज्यादा बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि समाज में विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसी तकनीकें अपनाई जानी चाहिए जिनसे प्रदूषण ना फैले। साथ ही उन्होंने पर्यावरणविदों और बुद्धिजीवियों से आह्वान किया कि वे स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करें ताकि भावी पीढ़ियां शुद्ध हवा में सांस ले सकें। सीएम फ्लाइंग स्कॉच ने गुरुग्राम के गांव चक्रपुर में अवैध रूप से चलाए जा रहे आधार सेंटर का भंडाफोड़ किया और गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल सीएम फ्लाइंग स्कॉच को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में फर्जी आधार सेंटर चलाया जा रहा है। गुप्त सूचना पर सीएम फ्लाइंग स्कॉच ने टीम तैयार कर गुरुग्राम के गांव चक्करपुर में छापेमारी की। बता दें कि सेंटर में लोगों से पैसा लेकर बिना किसी अनुमति के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, जो कि गैरकानूनी है। इस सेंटर में पुलिस ने एक मशीन सैकड़ों की मात्रा में फर्जी आधार कार्ड और 2 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में दूसरी बार फैशन शो का आयोजन किया गया। मेले की हसीन शाम का शुभारंभ भारत सरकार की केंद्रीय जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने किया। मेले की मुख्य चौपाल पर पूर्वांचल प्रदेश नागालैंड के कपड़े पहने खूबसूरत मॉडलों ने रैंप पर रंग बिखेरे और अपने जलवे दिखाए। इस दौरान मॉडलों के कैटवॉक को देखकर दर्शकों से भरी चौपाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। इस फैशन शो को विश्वविख्यात फैशन डिजाइनर रितु बेरी ने लाल, काला और सफेद रंग का अधिक प्रयोग करते हुए 3 महीनों की मेहनत के बाद आयोजित फैशन शो के दौरान उनकी मेहनत मॉडलों द्वारा पहनी गई पोशाकों से साफ साफ झलक रही थी। सीएम मनोहर लाल ने सरकार के 100 दिन के कामकाज पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा दिया। विपक्ष को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष हमेशा गैर जरूरी बातें करता है जिसका जवाब देना जरूरी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि सीएम 100 दिन की बात तो करते हैं, लेकिन 100 दिनों में कितने घोटाले हुए ये नहीं बताते। कुमारी सैलजा ने कहा कि 100 दिन सिर्फ जुमले ही हैं, प्रदेश में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है। सैलजा ने कहा कि सरकार फैक्ट्रियां बंद करा रही और प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर दिया है। सैलजा ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पेंशन का वादा भी सरकार ने नहीं निभाया। सैलजा ने मनोहर लाल को घेरते हुए कहा कि सीएम पीएम को क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं और प्रदेश को केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने करनाल में कौशल निवारण समिति की बैठक में आम पब्लिक की समस्याओं को सुना। बैठक में करनाल के एसपी, डीसी, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत करनाल के मेयर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री दिल्ली सीएम पर भी हमलावर रहे और कहा कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। वही 25 से कम बच्चों के स्कूलों को समाप्त करने के मामले में शिक्षा मंत्री ने बताया कि 25 से कम संख्या वाले स्कूलों में बच्चों को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विज ने कहा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। विज ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता आप पार्टी को उखाड़ फेंकेगी और दिल्ली में ऐसी सरकार को दोबारा बैठने का मौका नहीं देगी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चाइना से आने वाले कोरोना वायरस पर कहा कि हम इसे ट्रैप कर रहे हैं, जितने भी लोग चाइना से वापस आ रहे हैं सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचकूला मनसा कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 में पहुंचकर उद्योग भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दुनिया भर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए चर्चाएं की जाती है, उसी तरह हरियाणा में भी चर्चा की जाएगी। दिवाली में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों को घबराने की आवश्यकता नहीं, सरकार ने टिड्डियों को हरियाणा में न घुसने देने के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जेपी दलाल ने भिवानी के अनाज मंडी में 10 रुपए में भरपेट भोजन की कैंटीन का शुभारंभ किया। साथ ही कर्मचारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वे या तो काम करना शुरू कर दें अन्यथा उन्हें बदल दिया जाएगा। हेहड़ भूमि की पैमाइश को लेकर सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सिरसा पहुंची, जहां टीम ने ड्रोन की मदद से डिजिटल पैमाइश की। बता दें कि सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने वायुसेना से ड्रोन उड़ाने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद केवल आधे घंटे के लिए ड्रोन उड़ाने की मंजूरी दी गई थी। बता दें कि सर्वे की रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी। पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने थेहड़ की डिजिटल पैमाइश की है।
तो वहीं थेहड़ निवासी दीपक फुटेला ने बताया कि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए थेहड़ में पुरातत्व विभाग की केवल 35 एकड़ जमीन आती है, जिसको लेकर कोर्ट ने अदालत की अवहेलना मानी थी। और वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी 25 फरवरी को इसको लेकर सुनवाई हो सकती है। पिहोवा के रेस्ट हाउस में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुला दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें हल करने के निर्देश दिए। वहीं राज्य मंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सभी अधिकारी गंभीरता से लें। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि काम में कोताही बरतने वालों को सहन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि पिहोवा को विकास के हर मामले पर एक नंबर पर बनाया जाए। प्रदेश में चोरी के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही मामला बहादुरगढ़ से सामने आया, जहां चोरों ने दुकान का शटर उखाड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें संकट से जूझ रहे पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का बकाया भुगतान करने के लिए एचडीआईएल की संपत्तियों को बेचने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस एसएस बोबड़े, जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हाईकोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। इसके साथ ही पीठ ने सरोज दमानिया सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवजे का करीब 60,000 से 70,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि वित्त वर्ष 2019 और 20 के दौरान जीएसटी मुआवजा कोष में करीब 15,000 से 25,000 करोड़ रुपए की कमी रहेगी। विमान कंपनी स्पाइसजेट ने शिल्पा भाटिया को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। भाटिया कंपनी के चेयरमैन ने और प्रबंधक निदेशक अजय सिंह को रिपोर्ट करेंगे। एयरलाइन ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि भाटिया राजस्व प्रबंधन, बिक्री और नेटवर्क योजना का कामकाज देखेंगी। बता दें कि भाटिया तीसरी बार स्पाइसजेट से जुड़ी हैं। इससे पहले वो स्पाइसजेट में मुख्य बिक्री एवं राजस्व अधिकारी रह चुकी हैं। वहीं इंडिगो, सहारा एयरलाइंस, एमजेएस और जीएमजी एयरलाइंस में भी प्रमुख भूमिकाओं में वो कार्य कर चुकी हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने कर की नई आयकर व्यवस्था निर्धारित की गई है। अब सरकार को उम्मीद है कि कम से कम देश के 80% करदाता इस नई व्यवस्था को अपनाएंगे। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने शुक्रवार को कहा कि वित्त मंत्रालय को कम से कम 80% करदाताओं के नए आयकर व्यवस्था अपनाने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में नई कर श्रेणी का प्रस्ताव किया गया, लेकिन इसे अपनाने पर करदाताओं को आवास ऋण ब्याज, अन्य कर बचत योजनाओं समेत मौजूदा छूट और कटौतियों का लाभ छोड़ना पड़ेगा। 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच गंवाने के बाद भारतीय टीम आज दूसरे मुकाबले में श्रृंखला बचाने के लिए उतरी हुई है। पहले मुकाबले में टीम की खराब गेंदबाजी एक बड़े स्कोर भी नहीं बचा पाई थी। भारत के लिए मुकाबला खो या मरो का है। दूसरे मुकाबले में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कीवी टीम पहले बल्लेबाजी की है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस के वक्त ही आज की प्लेइंग 11 का ऐलान किया है और टीम में 2 बदलाव किए हैं। मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी ओपनिंग की कमान संभालेंगे। पिछले मैच में दोनों ने अपना वनडे डेब्यू किया था। और वहीं मिडिल ऑर्डर की कप्तान जो कमान है वो कप्तान विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर संभाल रहे हैं। अय्यर ने पहले मैच में शानदार शतकीय पारी खेली थी। नंबर 5 पर केएल राहुल बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। सीरीज के पहले मैच में जडेजा गेंदबाजी में काफी महंगे साबित हुए थे। मशहूर क्रिकेट पत्रकार और फिल्म संगीत लेखक राजू भारतन की लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। भारतन ने 42 साल तक द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के साथ कार्य किया। उन्होंने फिल्म डिविजन के लिए पहली क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री द विक्ट्री स्टोरी का निर्देशन भी किया था। 6 किताबें लिख चुके भारतन की पहली किताब राइवल्स इन द सन सर्वे ऑफ द 1952 टूर ऑफ इंग्लैंड थी, जिसके बाद उन्होंने इंडियन क्रिकेट द वाइटल पेज लिखी। बिग बॉस 13 की शुरुआत से ही प्रतिभागी बिग बॉस पर बायस जो होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, बावजूद इसके उन्हें कोई रोक टोक ही नहीं रहा है।
फिनाले से महज 7 दिन पहले एक बार फिर घर वालों ने बिग बॉस पर यही आरोप लगाया। इस बार ये आरोप रश्मि देसाई और आसिम रियाज ने लगाया है। फिल्म मलंग इसे शुक्रवार को रिलीज हो रही है। फिल्म ने पहले दिन ही शानदार ओपनिंग करते हुए करोड़ों में कमाई की। इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 6 करोड़ रुपए कमाए हैं। फिल्म में दिशा पाटनी और आदित्य रॉय कपूर पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और सारा अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म लव आजकल को लेकर चर्चा में है। इस बीच दोनों का बेहद खास वीडियो सामने आया जिसमें कार्तिक सारा को भारी भीड़ से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं फैंस की भीड़ को देखते हुए कार्तिक आर्यन सारा अली खान को उनसे बचाते हुए लेकर जाते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कलाकारों का वीडियो फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान का है। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म बॉब विश्वास की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन ये फिल्म विवादों में आ रही है। फिल्म बॉब विश्वास पर एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। बॉब विश्वास के मेकर्स का आरोप है कि उन्होंने कोलकाता के रविंद्र सरोवर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया और शूटिंग जारी रखी। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पिछले 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि साल दिसंबर में रणबीर आलिया शादी के बंधन में बंध जाएंगे। रिपोर्ट की माने तो इसी साल दिसंबर में रणबीर आलिया शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के ठीक बाद शादी की तारीख तय की जाएगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।